हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अब तक आपने बहुत सारी वीडियोस में, शॉर्ट्स में, इवन मेरे ही शॉर्ट्स में दुबई फ्रेम को बाहर से देखा होगा। चलिए आज इसके अंदर का टूर करवाते हैं। इस वीडियो में आपको दुबई फ्रेम का डे व्यू और नाइट व्यू दोनों भी देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। एक्चुअली ये वीडियो जो डे वीडियो है, ये मैंने पहले विज़िट किया था, तब डे टाइम विज़िट किया था, तो तब के शॉर्ट्स थे जिसको मैंने कंबाइन करके, मर्ज करके कंप्लीट वीडियो बना दिया है, ताकि आपको डे व्यू और नाइट व्यू दोनों देखने को मिले। दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेम है, जिसका हाइट 150 मीटर्स है और इसका विड्थ 95 मीटर्स है। दुबई फ्रेम में एंट्री का टिकट एडल्ट्स के लिए 50 दिरहम है और चिल्ड्रन के लिए 20 दिरहम है। यहाँ आपको दुबई का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर पर लेकर जाया जाएगा। वहाँ पर आपको ट्रेडिशनल चीज़ें, दुबई के कल्चर में क्या है, क्या था और पुराने ज़माने में किस तरह की चीज़ें थीं, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जब हम ये म्यूज़ियम में दुबई के पास्ट को देख लें, तो फिर हमें एक लिफ्ट से डायरेक्टली दुबई फ्रेम के टॉप पर ले जाएंगे। वहाँ पर आपको दुबई का प्रेजेंट देखने को मिलेगा और ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दोनों देखने को मिलेगा। जो नॉर्थ साइड में है वो ओल्ड दुबई है, वहाँ पे थोड़े छोटे बिल्डिंग्स हैं, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, थोड़ा पुराने टाइप के हैं। और साउथ साइड में आपको बिल्कुल नया दुबई देखने को मिलेगा, जिस साइड से आपको बुर्ज खलीफा देखने को मिलेगा और बहुत सारी जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सब कुछ आपको साउथ साइड में देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ हम लिफ्ट में हैं, लिफ्ट से टॉप पर जा रहे हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर एंटर हो चुके हैं और ये जो है ये स्मार्ट ग्लास है। जैसे ही आप इस पे कदम रखोगे तो लाइट्स ऑन हो जाएंगे और आपको नीचे का व्यू देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इस फ्रेम पर वॉक करते हैं और अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ बनाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है इस फ्रेम की। Hello, good evening, welcome. Dear visitors, we'll have a smart glass here. You can walk, no sitting, no running. I would like to inform you it's going to be cold. यहाँ आप ये सर की आवाज़ सुन सकते हैं, उन्होंने बताया है कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड, क्योंकि हमने रात के 8:30 को हम दुबई फ्रेम में रीच हुए थे और विद इन हाफ एन आवर में ये बंद होने वाला था। उस टाइम पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी क्राउड नहीं है, ये पूरा खाली हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं, लेकिन हम पहुंच चुके थे, इसीलिए हमने सोचा कि चलो कंप्लीट कर लेते हैं, घूम लेते हैं। फिर विद इन हाफ एन आवर जितना भी हम देख सके, सब कुछ देख कर, शूट करके, मज़े करके फिर वापस आ गए। इसको हम कोई भी टाइम पर जा सकते हैं, दिन में जाएंगे तो भी एक इसका एक अपना लुक होता है, और अगर हम रात में जाएंगे तो भी ये इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि सब जगह लाइट्स होते हैं और व्यू और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोई भी टाइम इसके लिए बेटर है। वैसे तो ये इंडोर है, हम इसे पीक समर में भी दिन में जा सकते हैं। फ्रेम के टॉप पे हमने दुबई का प्रेजेंट देख लिया है, ओल्ड दुबई और न्यू दुबई दोनों भी देख लिया है। फिर अब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, सेम लिफ्ट से हम वापस जाते हैं। एक साइड से लिफ्ट ऊपर लेकर जाती है, फिर दूसरे साइड से नीचे लेकर आती है। जब हम नीचे आएंगे तो हमें दुबई का फ्यूचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें एक टनल में लेकर गए, वहाँ पर कुछ स्पेशल लाइट्स एंड म्यूज़िक के थ्रू डिस्प्ले पर दुबई का फ्यूचर दिखाया गया, जो कि आज से 50 इयर्स बाद 2070 में दुबई किस तरह होगा, क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, वो सब कुछ इस डिस्प्ले पर हम लोगों ने देखा है। आप भी इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। Thank you.
3D printer. स्क्रीन पर दुबई का फ्यूचर देखने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आया कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी जब इतनी आगे पहुंच चुकी है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर हम फ्यूचर देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि घर में मेड्स के बजाय रोबोट्स होंगे जो अपने हाउस हेल्प करेंगे, घर के काम करेंगे, कोई भी चीज़ में हमें हेल्प करेंगे। हर जगह रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, हर जगह रोबोट्स रहेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये सब कुछ देखने में। और ऐसा नहीं कि ये सब कुछ सिर्फ दुबई का प्लान है, इस प्लान पर काम करना भी ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आपको भी ये सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो और देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।